हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बॉर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। डीसीबी बैंक 16% डाउन, निवेश का मौका या धोखा। चलिए जानते हैं इस वीडियो में और देखते हैं क्या फंडामेंटल है और क्या टेक्निकल है। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए। ऐसे वीडियो हम हर रोज हर दिन लेते आते हैं। गुड क्वालिटी का स्टॉक है, गुड क्वालिटी बाय मैनेजमेंट, रिस्क ग्रोथ एंड कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप इसमें इंटरेस्ट अर्न इनकम देख लीजिए कितनी है, 24.22%। आप इसमें नेट प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए कितनी है, 16.51%। आप इसमें ग्रोस एनपीए और जो एवरेज एनपीएस जो होते हैं वो देख लीजिए। ग्रोस एनपीएस है 1.84%, आप जो ग्रोस एनपीए एवरेज है वो 1.70% है। आप इसमें आरओए देख लीजिए 0.95। अब हम इस बैंक के वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, जो भी अभी वैल्यू 165 से 246 के बीच में होगी ये इसको अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे डालेगा। आप इसकी पी रेशियो देख लीजिए 22.74% है। आप इसकी आरओई देख लीजिए 10.45% है। आप इसमें आरओए देख लीजिए 0.91% है। अब हम इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। आप इसमें इंटरेस्ट अर्न देख लीजिए जिसमें 3.70% के एक अपसाइड देखने को हमें मिले है, जो कि एक अच्छी बात है। आप बाद में इसमें देखिए नेट एनपीएस देख लीजिए जिसमें 0.16% की अपसाइड देखने को मिले, जो एक बुरी बात है। बाद में आप ग्रोस एनपीएस देख लीजिए जिसमें भी 0.12% की एक अपसाइड देखने को मिले, जो भी एक बुरी बात है। बाद में आप देख लीजिए नेट प्रॉफिट देख लीजिए पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 15.85% की डाउन साइड देखने को मिली है। अब हम इस कंपनी के एनुअल रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि एक ईयर टू ईयर रिजल्ट होता है। पिछले ईयर से इस ईयर में इंटरेस्ट अर्न देख लीजिए 26.05% एक अपसाइड देखने को हमें मिली है, जो कि एक अच्छी बात है। नेट एनपीएस देख लीजिए 0.07% की डाउन साइड देखने को मिले, जो कि एक अच्छी बात है। आप इसमें ग्रॉस एनपीएस देख लीजिए जिसमें 0.05% की अपसाइड देखने को हमें मिली है, जो कि एक बुरी बात है। बाद में इसका जो नेट प्रॉफिट है वो देख लीजिए 32.62% के एक अपसाइड हमें देखने को मिले, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए अब इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं। अब हम आ चुके हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। आप देख लीजिए प्रमोटर के पास 14.91% की एक बढ़िया होल्डिंग रखी हुई है। बाद में आप उसमें देख लीजिए एफआईएस की होल्डिंग देख लीजिए 24.49% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। म्यूचुअल फंड के पास 20.08% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। इस कंपनी ने अपना एक भी स्टॉक गिरवी नहीं रखा, जो कि एक अच्छी बात है। देख लीजिए प्लेज प्रमोटर होल्डिंग नन। चलिए अब जानते हैं जो टेक्निकल लेवल है, कहाँ पे हमें क्या है कि अभी के हाल फिलहाल के हिसाब से कहाँ सपोर्ट मिलता है, कहाँ हमें बाय कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं वो सब टेक्निकल पे ऊपर। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आपको भी किसी स्टॉक के बारे में जानना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम आ चुके हैं डीसीबी बैंक के चार्ट के ऊपर। आप देख लीजिए हाल फिलहाल में एक साइड तरफा चल रहा था, मीन्स के अप ही जा रहा था, अप ही जा रहा था, थोड़ा नीचे आके अप जा रहा था, मीन्स के एक स्ट्रेट लाइन में अप जा रहा था। तो क्या हुआ बाद में, क्या है कि इधर जो भी हुआ वो इधर एक साथ बिकवाली हुई। क्यों? क्योंकि कि इसका कल रिजल्ट खराब आया, मीन्स के इतना भी खराब नहीं है कि इससे इतनी बड़ी ज्यादा गिरावट आ सके, लेकिन क्या है कि इधर बाइंग ही बाइंग हो रही थी तो बाद में कल उसका रिजल्ट खराब आया, तो मतलब आज सबने बेच दिया, मीन्स के जो उसको जो ट्रेडर लोग थे वो सब आज निकल रहे थे, तो इसीलिए इतनी ज़्यादा गिरावट हमें आज देखने को मिल रही है। और बाद में क्या है कि इतना सारा मीन्स कि जितना ये अप जाएगा उतना डाउन आने का चांसेस है, क्योंकि कोई थोड़ी सी अगर न्यूज़ आ जाए तो उसमें ये सब देखने को हमें मिलता है, कहीं 10% कहीं 15% वो गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो बाद में क्या है कि अगर हमें लॉन्ग टर्म में, अगर लॉन्ग टर्म में आपके पास है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई मेजर इश्यू इसमें नहीं है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में लेना चाहते हो, आने ऐड करना चाहते हो, तो आप कहाँ ऐड कर सकते हो? तो पहले तो जो इसकी लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन है, देखिए ये सपोर्ट लाइन है, उसके टच करके आए, इधर टच करने आए तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये मीन्स का कौन सा लेवल होगा? तो ये लेवल होगा 170। और बाद में देखिए ये इसकी सपोर्ट लाइन दूसरी भी है, जो ओरिजिनल सपोर्ट लाइन बोलते हैं वो ये, वो कहाँ पे 173। अगर ये मेरे को कहीं 170 पे मिल जाए तो मैं इसको बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म मान सकता हूँ। अगर ये यहाँ आएगा तो मैं खुद भी इसको ऐड करूँगा।
और ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक क्या कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो और बनाएंगे। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए जो आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।